गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माइंडफुल इंग्लिश विद शिवानी शर्मा। आज मैं एक बार फिर से आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ जिससे आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेने में थोड़ी और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और क्योंकि मेरा वही पुराना डायलॉग कि बच्चों को लगता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते, स्पेशली वो बच्चे कई बार जिनके मार्क्स उनको लगता है बिना वजह कट जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न डिस्कस करती हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, इंग्लिश एग्जामिनेशन। इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के तीन पार्ट्स होंगे, राइट, होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए पार्ट का नाम क्या, दैट इज़ रीडिंग। रीडिंग मीन्स कि यू विल बी गिवन टू अनसीन पैसेजेस। आपको दो अनसीन पैसेज दिए जाएंगे जो आपको पैसेज पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप उस क्वेश्चंस का आंसर्स कब दे पाओगे, जब वो आपको समझ आएगा। आपको समझ कब आएगा, जब आपकी उसको वोकैबुलरी समझ आएगी। वोकैबुलरी कब समझ आएगी, जब आप डिक्शनरी का यूज़ करते हो, आपको एक्स्ट्रा रीडिंग की आदत होगी, राइट। तो जो अनसीन पैसेज है, दोनों अनसीन पैसेज, उसका केवल और केवल आपकी लैंग्वेज के ऊपर कितनी कमांड है, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन कितनी ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका उसमें मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। और कई बार हमारे तुक्के से मार्क्स आ जाते हैं, हम गलत मतलब ऐसे एक गेस करके एमसीक्यू में टिक कर देते हैं उसके मार्क्स, बट दैट इज़ नॉट द लर्निंग प्रोसीजर ना। उस पर हमने कुछ सीखा तो है ही नहीं, वो ठीक है। और जब हमारे इस तरह से हमारे मार्क्स आते हैं तो हम कहीं ना कहीं जाके ज़रूर अटक जाते हैं। सो दैट मीन्स सेक्शन ए है वो, उसमें आपके मार्क्स तभी आएंगे जब आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, जब आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी, जब आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी होगी। आपको पता होगा कि कौन सा सेंटेंस कैसे लिखना है, कौन से टेंस का यूज़ होना है। अगर एमसीक्यू है तो भी आपको अगर समझ आएगा तो सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं है। सेक्शन बी पार्ट है आपका राइटिंग एंड डेवलपमेंट। राइटिंग में आपको, इसमें बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं। राइटिंग में चाहे आपको पैराग्राफ आना है, चाहे एनालिटिकल पैराग्राफ आना है, या स्टोरी राइटिंग आनी है, या लेटर आना है, या फिर डायरी एंट्री आनी है, या मैसेज राइट, इसके फॉर्मेट में डिफरेंस हो सकता है। फॉर्मेट कितने मार्क्स का होता है, 1 or 2 marks, ठीक है, अभी मार्किंग की मुझे याद नहीं है, 1 या 2 नंबर का होता है शायद फॉर्मेट। तो वो 2 नंबर को छोड़ के जो बाकी के मार्क्स हैं वो आपको तभी मिलेंगे व्हेन यू विल हैव कमांड ओवर योर लैंग्वेज, जब आपकी अपनी एक फिर एक लैंग्वेज की पकड़ होगी। आपको पता होगा कि उस टॉपिक में क्या लिखना है, आपके थॉट्स क्या हैं, आपकी आइडियाज़ क्या हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि वॉट यू नीड टू राइट इन दैट वॉट एवर स्टॉक। आपको डायरी एंट्री क्लास में करवाइए चाहे नहीं करवाइए, स्टोरी राइटिंग करवाइए चाहे नहीं करवाइए, उसकी प्रैक्टिस, बट आपको उसमें जो आपको आइडियाज और वो सब यूज करना वो तभी आएगा जब आपकी कॉन्स्टेंट एक रेगुलर प्रैक्टिस होगी लैंग्वेज। सो दैट मीन्स अगेन इट हैज नथिंग टू डू विद एनी लर्निंग क्रैमिंग के आपको मतलब याद करने की उसको जरूरत नहीं है। सेक्शन में जो ग्रामर पार्ट है वो तो है ही ग्रामर, उसमें आपके एक्टिव पैसिव हैं, 9th class में जो आपकी ओमिशन एडिटिंग है और डायलॉग राइटिंग में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं वो है, ठीक है। और अब सेक्शन जो सी आ गया, उसमें आपका लिटरेचर टेक्स्ट आ गया, उसमें आपको लेसन्स का आना ज़रूरी है। उसमें लेसन्स की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस की डिफरेंट फॉर्म्स पता होने चाहिए, उसमें भी आपके जो 2 extract आएंगे प्रोज का और पोइट्री का, उसमें भी आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लेसन की, ठीक है। और जो उसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जिसमें आता है कमेंट, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक, गिव योर ओन व्यूज, जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें तो आप जब तक आपके खुद के व्यूज नहीं होंगे, आपकी अपनी थॉट्स नहीं होंगी, तो आप आंसर वो नहीं कर पाओगे ना, और आंसर नहीं कर पाओगे तो आप एक वो ऊपरी जो होता है ना वही पढ़ाई कर, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। और आंसर जो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं लिख पाओगे तो भी मार्क्स नहीं आएंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम करो, ऐसा नहीं कि इस सिलेबस में कितने लेसन आ रहे, 4 आ रहे, मैं 4 को खोल के बैठ जाऊँगा, कॉपी खोलूँगा, इसके क्वेश्चन आंसर रटूंगा, मम्मी को लिख के दिखाऊंगी। ये मैं हर बच्चे के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ के साथ ऐसा होता है, राइट। तो आपको अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम करना है, ठीक है।
ठीक है, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो इसमें बहुत छोटा सा पार्ट है लास्ट के जो क्वेश्चन का है, जिसमें हो सकता है आपके वो वाले क्वेश्चन आ जाए, इस चीज़ की आवाज़ आ रही है, वो वाले क्वेश्चन आ जाए, जो आपने याद किए, किस चीज की आवाज है, ट्रेन की, तो ठीक है, मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि आपने कैसे तैयारी करनी है इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की।